दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी का आगमन आज सैदपुर विधानसभा में हुआ, जहां पर उन्होंने भाजपा निषाद पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी सुभाष पासी के लिए रोड शो किया और उसके पश्चात एक जनसभा को भी संबोधित किया। संबोधन के पश्चात मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि भाजपा और निषाद पार्टी का गठबंधन है तो हमारा प्रदेश में 326वां सीट सैदपुर की होगी। उत्तर प्रदेश का इतिहास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से भी ज़्यादा लहर है, इसलिए हम कह रहे हैं, हमने कहा था कि मंदिर बनेगा, हम यह थोड़े ही कहे थे कि चावल और अनाज बांटेंगे, कोरोना संकट में फ्री वैक्सीन लगेगा। इस सरकार में गुंडे और माफियाओं की लूट खत्म हो गई है, अब 2022 के बाद लोगों को फ्री स्कूटी और बिजली देंगे। इसके अलावा कई अन्य योजनाओं का भी लाभ देने की बात मनोज तिवारी ने कहा। इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि पश्चिम में शुरू में अखिलेश यादव की बढ़त थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरठ में दंगा कराने वालों को टिकट दे दिया, तब पूरा पश्चिम बोला अब हमें अपनी इज्जत बचानी है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी उनसे 10 सीट आगे है और दूसरे चरण में भी आगे है, क्योंकि जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें सुरक्षा चाहिए, हमें गुंडा और माफियाओं से सुरक्षा चाहिए जो हमें नहीं मिलता। निषाद पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ, कमल के निशान के साथ है तो आपको हमको कहने में दिक्कत नहीं कि 326वां सीट हमारी सैदपुर की होगी। सुभाष पासी के लिए मैं करीब 5 किलोमीटर लोगों में चला हूँ। जो लोगों का जोश है वो इतिहास बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और जो सौभाग्य जगह है उसका स्पीड सुभाष पासी बढ़ा। 2017 की लहर थी मिलेगी, 2017 से भी ज्यादा लहर बा। यही से तो हम कहता नहीं भाई, पहले तो हमने कहा था कि मंदिर बनेगा, लेकिन हमने ये थोड़ी कहा था घर घर चावल और अनाज बटेगा, हमने ये थोड़ी कहा था कि संकट में फ्री वैक्सीन लगेगा। लेकिन वो सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि गुंडा माफियाओं की लूट खत्म हुई और अब अगले बार हम स्कूटी देंगे, फ्री बिजली देंगे, 1 लाख रुपया गरीबों की शादी के लिए देंगे, गांव-गांव खेल का मैदान देंगे, हर पंचायत में खेल का मैदान देंगे, जिम देंगे। और सुभाष पासी बीजेपी के इस सुशासन के साथ सैदपुर को सर्वश्रेष्ठ बनाए। पश्चिम में शुरू में उनकी बढ़त थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दंगाई को, जिसने मेरठ का दंगा कराया, उसको टिकट दिया, पूरा पश्चिम यही बोला कि अब हमें अपनी इज्जत बचानी है। और आपको बता दूं कि पश्चिम भी भारतीय जनता पार्टी उनसे 10 सीट आगे है और दूसरा चरण भी हम आगे हैं, क्योंकि जनता ने स्पष्ट कर दिया हमें सुरक्षा चाहिए, बेटियों की इज्जत चाहिए, हमें गुंडा माफियाओं से मुक्ति चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी गुंडा माफियाओं को वापस लाने। कितनी सीटें मिलेंगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम लोग 300 प्लस की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से सैदपुर भी उमड़ के आ गया है और घाट पर रानी हम नहीं जीते थे वो भी जीत रहे हैं, हम गौरीगंज नहीं जीते थे वो भी जीत रहे हैं, तो हम इस आधार पे मुझे लगता है कि अगर 325 फिर से टच हो जाए, एक तो ज्यादा भी हो जाए, तो आश्चर्य मत कर जाए।